तो इसको आप हाथ से सिंपल सीधा कर सकते हैं कुछ इस तरह से। दोस्तों गूगल ड्राइव का ये स्कैनर आपके कितने काम का होगा ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गूगल ड्राइव के बेस्ट स्कैनर फीचर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ माय मोबाइल गाइड पर। इस चैनल पर मैं आपके लेकर आता रहता हूँ मोबाइल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। तो अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गूगल ड्राइव यानी जी ड्राइव के स्कैनर फीचर के बारे में। दोस्तों गूगल ड्राइव को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ से इसको आप ओपन कर लीजिए। और जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का नीट एंड क्लीन इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको इस समय कुछ भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि अभी यहाँ हमने कोई भी फाइल इस पर अपलोड नहीं की है। यहाँ पर आपको नीचे एक छोटा सा बटन दिखाई देगा प्लस का, इसी प्लस के बटन से आप यहाँ पर फाइल अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऊपर एक चीज़ और देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको माई ड्राइव और कंप्यूटर का ऑप्शन मिलेगा। अब ये ऑप्शन यहाँ पर इसलिए दिया गया है कि आप चाहें तो अपने फ़ोन को अपने कंप्यूटर के साथ भी सिंक कर सकते हैं। इसका क्या यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप अपने कंप्यूटर में गूगल ड्राइव का फोल्डर बना लेते हैं और वहाँ पर फाइलों को डाउनलोड करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक सिंक होकर आपके फ़ोन में आ जाती हैं या जिस भी डिवाइस में आप गूगल ड्राइव को इंस्टॉल करेंगे उसी ईमेल आईडी से, तो वो सारी फाइलें आपको एक साथ में सभी डिवाइसेस पर दिखाई देंगी। अब बात करते हैं कि फ़ोन में गूगल ड्राइव को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ज़रूरत है फाइल को अपलोड करने की। फाइल अपलोड करने के लिए आपको जाना है इस प्लस बटन पर। अब जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको 6 ऑप्शंस दिखाई देंगे, पहला फोल्डर का, दूसरा अपलोड का, तीसरा स्कैन का, और इसके अलावा यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा गूगल डॉक, गूगल शीट और गूगल स्लाइड का। यहाँ पर जब आप फोल्डर के बटन पर टैप करेंगे तब आप गूगल ड्राइव में कोई भी एक फोल्डर बना पाएंगे। अगर बिना फोल्डर बनाए भी आप चाहें तो फाइल अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग तरह की फाइलों को अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर फोल्डर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने नाम का कोई एक फोल्डर बना देता हूँ और इसे यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। लेकिन अभी वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो जो फोल्डर है वो आपको दिखाई देगा माई ड्राइव में। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभिमन्यु नाम का फोल्डर बन चुका है। अब इस फोल्डर के अंदर हम कोई फाइल अपलोड करके देखते हैं। इस पर टैप करना है आपको और दोबारा से यहाँ पर जाना है प्लस के बटन पर। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, अपलोड का और स्कैन का। तो जब अपलोड के बटन पर आप टैप करेंगे तो आपके फ़ोन मेमोरी में जो भी डेटा होगा, फोटो, वीडियो या कोई भी डॉक्यूमेंट, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और आप चाहें तो वो फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट को आप अपने फ़ोन से भी गूगल ड्राइव पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ किसी बाहरी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके गूगल ड्राइव पे कैसे डालते हैं। तो बस प्लस के बटन को टैप कीजिए, स्कैन पर जाइए, तो यहाँ पर ये यह आपसे परमिशन मांगेगा आपके कैमरे की। इसे अलाउ कर दीजिए और जैसे आप इसे अलाउ करेंगे तो आपके जो फ़ोन का कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक बुक है और अब मैं बुक में से कोई भी एक पैराग्राफ यहाँ पर स्कैन करके गूगल ड्राइव पे डालने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप जाइए इस कैमरे पर और ये बुक को आप कैसे भी रख लीजिए, मान लीजिए ऐसे हमने रख लिया, और बस आपको यहाँ से एक फ़ोटो क्लिक करना है इस तरह से। अब फ़ोटो आपने उल्टा सीधा जैसा भी क्लिक कर लिया है, इसको यहाँ से ओके करिए। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा स्कैन टू PDF। जैसे आप किसी भी फ़ोटो को क्लिक करके यहाँ पर लेके आएंगे तो वो अपने आप ही PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत यूज़फुल ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इमेज है अभी भी ठीक से नहीं आ रही है, तो इसको आप हाथ से सिंपल सीधा कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो देखिए ये सीधा हो गया। अभी इसमें से मुझे कोई और पैराग्राफ लेना है, यहाँ पर काफ़ी सारे पैराग्राफ आ चुके हैं लेकिन मुझे कोई एक पर्टिकुलर पैराग्राफ लेना है, तो आपको ऊपर जाना होगा क्रॉप के बटन पर और यहाँ से आप अपनी इमेज में से पैराग्राफ को अलग से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको सिंपल आपको ओके करना है और आपका जो पेज था वो ठीक तरीके से यहाँ पर स्कैन होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन मिलेंगे कलर वाले। तो यहाँ पे अभी जो हमने कलर लिया हुआ है वो कलर ड्राइंग लिया हुआ है। इसके बाद अगर चाहें तो आप यहाँ से कलर पर टैप करके जो आपका ओरिजिनल इमेज है उसको ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो ब्लैक एंड व्हाइट में आए तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपकी इमेज है ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएगी। और यहाँ से अगर आप नन करेंगे तो जो आपका ओरिजिनल फोटो होगा वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 3 डॉट्स और दिए गए हैं, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, रोटेट करना चाहते हैं रोटेट कर सकते हैं, और इस स्कैन को जो आपने फाइल स्कैन की है इसको अगर आप कुछ अलग से नाम देना चाहते हैं तो रीनेम स्कैन पर जाकर उसे नाम दे सकते हैं। तो ये तो हो गया स्कैनिंग वाला फीचर। अब यहाँ से इसे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में ये जो फाइल है आपकी गूगल ड्राइव पर अपलोड हो जाएगी।
अब देखिए जो फाइल है वो अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप अपने मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करके गूगल ड्राइव पर कोई फाइल अपलोड करते हैं तो आपको एक छोटी सी सेटिंग और बदलनी होगी, वरना क्या होगा कि जो ड्राइव है वो आपकी वाईफाई कनेक्शन का इंतज़ार करेगी किसी भी फाइल को अपलोड करने में, क्योंकि ये आपके मोबाइल डेटा को कम से कम यूज़ करना चाहती है। तो आप अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल डेटा से आपकी फ़ाइल अपलोड हो तो आपको बैक जाना है यहाँ से और यहाँ पे आपको टैप करना है। जब आप टैप करेंगे तो नीचे आपको सेटिंग दिखाई देगी, सेटिंग पर चले जाइए और यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफ़र फाइल ओनली ओवर वाईफाई। तो यहाँ पर जब आप इसे अनेबल कर देंगे तो क्या होगा कि आपकी जो अपलोड होने वाली फाइलें हैं वो जब तक वाईफाई कनेक्शन उसको नहीं मिलेगा तब तक वो पॉज रहेंगी, और जैसे ही आप वाईफाई जोन में आएंगे तो आपकी फाइलें अपलोड होना शुरू हो जाएगी। तो अगर कभी आपके साथ में ऐसा होता है कि आपने कोई फाइल गूगल ड्राइव पर अपलोड की है और वो नहीं हो रही है तो आप यहाँ से इसको डिसेबल कर दीजिए और अब होगा क्या कि आपके मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करके गूगल ड्राइव पर आप फाइल बड़े आराम से अपलोड कर पाएंगे। तो फाइल तो अपलोड हो चुकी है, अब इसके साथ में हम और क्या क्या कर सकते हैं, इस फाइल को हम किसी को शेयर करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, अगर करा सकते हैं तो कैसे, तो बस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही तीन डॉट्स पे टैप करना है और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा शेयर का। जब आप शेयर पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का नाम डालना है जिसे आप शेयर कराना चाह सकते हैं या उसकी ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं। देखिए ईमेल आईडी डालते ही यहाँ पर ईमेल आईडी और नाम दोनों आ जाएंगे, बस आपको टैप करना है और यहाँ पर एक आपको पेंसिल जैसा आइकन मिलेगा। अब ये बहुत विशेष चीज़ है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। जब आप इस पर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर तीन चीज़ें मिलेंगी, कैन एडिट, कैन कमेंट और कैन व्यू। अब ये तीनों चीज़ क्या हैं, हम जो भी फाइल किसी व्यक्ति के साथ में शेयर करते हैं तो यहाँ पर वो परमिशंस हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति आपकी फ़ाइल को एडिट कर सकता है, या तो सिर्फ देख सकता है या उस पर कमेंट कर सकता है। तो आप जिस भी तरह से अपनी फाइल को शेयर कराना चाहते हो करा सकते हैं, उसको आप क्या परमिशन देना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी फ़ाइल को एडिट कर पाए तो यहाँ से बस इस पर टैप कर दीजिए। अब होगा क्या, आप जिसे भी शेयर कर रहे हैं वो आपकी फ़ाइल को एडिट कर पाएगा। बस ये करने के बाद में आपको यहाँ पर टैप करना है और जो आपकी फ़ाइल है वो उस व्यक्ति के साथ में शेयर हो जाएगी। जैसे ही आपकी फ़ाइल शेयर होगी तो यहाँ पर आपको एक अलग सा आइकन मिल जाएगा, इससे पता चलेगा कि ये जो फ़ाइल है ये शेयर की जा चुकी है। अब नीचे और कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड स्टार्ट का, अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये जो फाइल है इस पर स्टार लग जाएगा और कभी फ़िलहाल में आपके पास 200-300 फाइलें अपलोड हो जाती हैं तो सिंपल आप यहाँ से जाकर अपने जो भी स्टार डॉक्यूमेंट हैं उनको आसानी से सर्च करा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन है मेक अवेलेबल ऑफलाइन, जब आप इस पर टैप कर देंगे तो होगा क्या कि ये जो फाइल है जिस समय आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं भी चल रहा होगा तो भी आपको गूगल ड्राइव में अवेलेबल हो जाएगी। जैसे एक बार मैं पासपोर्ट बनवाने के लिए गया था तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर लिए थे लेकिन उनको ऑफलाइन नहीं किया था, तो वहाँ पर इंटरनेट नहीं था तो मुझे किसी साइबर कैफ़े पे जाके वो सारी फाइलें जो है निकालनी पड़ी थी। लेकिन यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये अवेलेबल है, आप ऑफलाइन कर सकते हो, अगर नेट नहीं भी हो तो आप इन फाइलों को एक्सेस कर सकते हैं बड़े आराम से। तो आपके जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हों आप उसके लिए इसको ऑन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप नहीं चाहते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट हैं वो ऑफलाइन अवेलेबल हों तो यहाँ से आप बस टिक हटा दीजिए, डॉक्यूमेंट जो ऑफलाइन से हट जाएंगे। यहाँ पर नीचे दिया गया है लिंक शेयरिंग ऑफ, तो ये जो ऑप्शन है ये बहुत यूजफुल है। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं इसके बाद में इस फाइल का एक लिंक शेयर के लिए अवेलेबल हो जाएगा, इसके बाद किसी भी व्यक्ति को आप कॉपी लिंक करके भेज सकते हैं और वो आपकी फाइल को एक्सेस कर पाएगा या डाउनलोड कर पाएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया गया है सेंड अ कॉपी का, जब आप इस पर टैप करेंगे तो आप किसी भी व्यक्ति के साथ में इस फाइल की एक कॉपी को शेयर कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ओपन विद का ऑप्शन है, इसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर टैप करके आप फाइल को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। रीनेम का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मूव का, तो इसका यूज़ करके आप अपनी फाइल को अपने फोल्डर के बाहर या कहीं भी दूसरी जगह पर मूव करा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलता है प्रिंट का, तो प्रिंट पर जब आप जाएंगे और आपके फ़ोन से अगर कोई क्लाउड प्रिंटर कनेक्टेड होगा जिसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ और फ़ोन के लिए मैं एक वीडियो अलग से भी बना दूंगा, तो आप बड़े आराम से केवल अपने फ़ोन से ही अपने प्रिंटर से प्रिंट दे पाएंगे। क्लाउड प्रिंटर से क्या होगा कि आप अपने घर के प्रिंटर को भी इंटरनेट से कनेक्ट करके अपने फ़ोन से सीधे सीधे प्रिंट कर सकते हैं, तो ये बहुत यूज़फुल ऑप्शन है। प्रिंट के बाद में ऑप्शन दिया गया है ऐड टू होम स्क्रीन का, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके लिए आपको बार बार गूगल ड्राइव ओपन ना करनी पड़े तो बस यहाँ पर टैप कर दीजिए। इससे होगा क्या कि आपके होम स्क्रीन पर एक शॉर्टकट बन जाएगा, जब आप उस पर टैप करेंगे तो आप सीधे सीधे अपनी फाइल को ओपन कर पाएंगे। फाइल को डिलीट करने के लिए आपको सिंपल रिमूव पर टैप करना है। तो ये थे गूगल ड्राइव के कुछ बेसिक ऑप्शंस जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। आगे के वीडियोज़ में हम और भी टिप्स और ट्रिक्स जानने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा।